एक ब्यूटीफुल वार्निंग हनले की। लो जी, ऐसी हनले ऑब्जर्वेटरी। मोनेस्ट्री पहुंचा हूँ, बहुत हाइट पे ये बनी हुई है हनले मोनेस्ट्री। पहले ये यहाँ का जो किंग था उसका ये पैलेस था। आगे रास्ते में एक फुग्गा पड़ेगा। लुमा से माहिब्रिज हमले से अंतरा लेने का टाइम आ गया, तो भाई साहब से फिर मिलेंगे। जी थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रात हम पहुंचे थे हनले, यहाँ पे होम स्टे हमने लिया था, नाइट स्टे यहीं पे हुई थी। ये होम स्टे इनका, ये ऑनर है होम स्टे के। अब हमारा नाम सोतपा है जी, तो हमारा हम ये हनले का है, तो हमारा होम स्टे का नाम गुआ होम स्टे है। तो हनले में सर जी इधर एक नाइट स्टे किया है, तो फिर हनले में अच्छा दिख रहे बोला। कोई किसी ने बुक कराना हो तो अपना भी कॉन्टैक्ट। जी जी जी, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी 9469521065। तो फिर हमारा वेबसाइट भी बना के है, फिर वेबसाइट पे आप लोग हमारा होम स्टे कैसा है वो सभी देख सकता है। ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं? ऑनलाइन भी कर सकता है, लेकिन यहाँ नेट यहाँ पे नेट अच्छा नहीं चलता, लेकिन चलता है फोन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरा कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ये इनका होम स्टे जी सारा, और अंदर से देखते हैं इनका जो होम स्टे है। I can only imagine how it is to be with you. From the first day I saw your face, I knew this love was true. But you already taken, nothing I can do. So homestay का जो rate है वो भी genuine है बहुत, और उसे बहुत कम है। तो आप जब भी हनले का कोई प्रोग्राम बनाए तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हॉल है जी, तो यहाँ पे फ्रेश आपको खाना मिलेगा। If we could be a symphony, then we would be a perfect harmony. तो अब हल्ले से अलविदा लेने का टाइम आ गया, तो भाई साहब से फिर मिलेंगे। जी थैंक यू, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी की। ठीक है, वेलकम। Okay, we never knew, out of sight and out of mind, I don't want to be with you. यहाँ पे एक बैंक भी है जी, एंड के बैंक भी है वहाँ पे सामने जी, एंड के ये हनले स्कूल। बच्चे अभी स्कूल पहुँचे, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 9:40 और 10 स्कूल ओपन हो जाता है, स्कूल स्टार्ट हो जाता है 10 to 4। तो आज हम हनले में हमारा जो प्रोग्राम है ब्लैक नेक्ड क्रेन वो देखना, हमने काली गदर वाला साधक हनले जो है उसके लिए फेमस है ऊपर टॉप पे ऑब्जर्वेटरी। गैलेक्सी के बारे में वो रिसर्च करते हैं, वो हो गया। और एक मोनेस्ट्री आती है हनले मोनेस्ट्री भी चलेंगे, वो सामने हनले मोनेस्ट्री। चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं हनले ऑब्जर्वेटरी, उसके बाद चलेंगे ब्लैक नेक्ड क्रेन देखने, उसके बाद हनले मोनेस्ट्री, फिर आगे सफर करेंगे आज हनले टू पांग। तो लेट्स गो।
वेलकम टू हनले ऑब्जर्वेटरी। अभी हम आए हैं हनले ऑब्जर्वेटरी, यहाँ पे गैलेक्सी के बारे में रिसर्च होती है, वो सामने हनले ऑब्जर्वेटरी। तो अभी हम वहाँ पैदल चल के ऊपर पहुँचेंगे, गाड़ियों की पार्किंग थोड़ा ये नीचे दी गई है, तो इसके बारे में आप जानेंगे। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और ये पहले 2008 तक ये हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी थी वर्ल्ड की। अभी जो फर्स्ट हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है वो अमेरिका चिली में है। तो आओ आगे ऊपर विज़िट करते हैं। तो जब भी लद्दाख आओ तो चमथंग में ये एरिया में बढ़ती है हनले, बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल एरिया है। ग्राउंड देख रहे हो आप, ग्रासलैंड देख रहे हो, जो नीचे वहाँ पे ब्लैक नेक क्रेन आता है। तो अभी ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा हाइट पे होने की वजह से सांस हमारा फूल रहा है। वो है ऑब्जर्वेटरी, तो 5 मिनट में हम ऊपर पहुंच जाएंगे। हम ऑब्जर्वेटरी, जो हनले ऑब्जर्वेटरी है, उसके अंदर एंटर करने वाले हैं। आगे अंदर देखते हैं क्या है। ऑब्जर्वेटरी के ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से देखते हैं। ऐसे खुलता है, पूरा ऊपर हो जाता है ये। ये वो टेलीस्कोप है जिसको साइंटिस्ट बेंगलोर में बैठ के ऑपरेट करते हैं। ये हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप है जो 360 डिग्री एंगल पे रोटेट करता है, और इसके जो ऊपरली तरफ दो टेलीस्कोप लगे हुए हैं जिसके थ्रू ऊपर पिक्चर गैलेक्सी की क्लिक होती है, और ऊपर से पिक्चर इसकी जो क्लिक करके ये नीचे कैमरे में भेजता, जिसको साइंटिस्ट बेंगलोर में व्यू फाइंडर के थ्रू कैप्चर करते हैं। हमारे साथ के तो बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, तो यहाँ भी आके बहुत अच्छा लगा, इसके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। तो जब भी आओ हनले तो हनले ऑब्जर्वेटरी ज़रूर विज़िट करना। ये वाला जो होस्कोटे में है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर यहाँ पे रहते हैं। ठीक ठीक। हाँ, वहाँ से जो पूरा जहाँ भी जो टेलीस्कोप बना हो जो वहाँ से करते, वो वहाँ से कंट्रोल करते हैं सारे। ठीक ठीक। ये वाला है जो पूरा ऑब्जर्वर ही है ना, सोलर पे चल रहा है। सोलर पे चल रहा जी। हाँ अच्छा अच्छा। सोलर 90 किलोवाट का। ठीक ठीक ठीक। और 30 किलोवाट का 2 यूनिट यहाँ पे है। यहाँ पे ये जो है ना हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, ये इसका नाम है इस टेलीस्कोप का। अच्छा, इस हिमालयन चंद्रा चंद्रा एस्ट्रोनॉमर का नाम। ठीक ठीक। ये वाला है ऑब्जेक्ट ओपन क्लस्टर, ये स्टार्स है। ये स्टार्स ये 2001 का इमेज है। ठीक।
ये निबुला निबुला क्रैब निबुला अच्छा ये जो है ठीक क्रैब निबुला ये रिंग निबुला रिंग निबुला ईगल निबुला है ये वाला सुपरनोवा है ये 2001 में लिए ये अपना जो है ना मिल्की वे ये अच्छा ये तो तारा देखो तारा तारा वाला लेंगे बेटा ये देख मिल्की वे ये एंड्रोमेडा एंड्रोमेडा नियरेस्ट गैलेक्सी हां हमारा जो नियरेस्ट गैलेक्सी अच्छा नियरेस्ट जो ये ड्रोन ऐसे ओपन होता है फिर 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं टेलीस्कोप के साथ अच्छा अच्छा ये वाला हां ये मेन है एक मिनट वेट जस्ट ये वाला नीचे है जो ये टेलीस्कोप अच्छा जी अच्छा कमरे ठीक ठीक अभी हम अंदर गए थे हनले जो यहाँ पे टेलीस्कोप यहाँ पे लगा हुआ है जिसके बारे में गैलेक्सी के बारे में हमें पता चलता है कि अलग अलग गैलेक्सी स्टार्स के बारे में हमें पता चलता है यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है जो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें अच्छी तरह गाइड किया इसके बारे में बताया कि ये कैसे काम करता है तो बहुत अच्छा लगा बच्चे साथ में थे बच्चों को समर वेकेशन हुई हुई है तो मेरा ये टारगेट था लद्दाख ले आने का इनको कि इस चीज़ के बारे में इनको इनको नॉलेज मिले इस चीज़ के बारे में तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठे हैं थोड़ी देर मैंने थोड़ा टाइम लैप्स लगाए हुए हैं ये एक छोटा जो टेलीस्कोप यहाँ पे भी लगा हुआ है तो जब भी लद्दाख आओ तो हनले ऑब्जर्वेटरी आना मत भूलना मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है थैंक यू एन्जॉय टाइम लैप्स लो जी ये सी हनले ऑब्जर्वेटरी अच्छा लगा यहाँ पे आके अब नीचे गाड़ी की तरफ जा रहे हैं हम हनले ऑब्जर्वेटरी में अपने छोटे छोटे दोस्त ये आ गए उनको अब बिस्कुट डालते हैं कैच कर लिया इसने जाओ अब आगे ढूंढते हैं ब्लैक नेक्ड क्रेन काली गर्दन वाला सारस अभी मैं हनले के ग्रासलैंड में हूँ ये देखो आप पानी और वो शायद आपको दिखाई दे रहे हो वो है ब्लैक नेक क्रेन काली गर्दन वाले सारस जो दूसरे देशों से यहाँ पे हर साल आते हैं तो लद्दाख में इनको शुभ माना जाता है वो सामने दो हैं आपको शायद दिखाई ना दे रहे हो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे हैं वो दोनों दिखाई दे रहे हैं वो ब्लैक नेक क्रेन है दो काली गर्दन सारस मतलब पंछी है दो जो दूसरे मुल्कों से हर साल यहाँ अंडे और बच्चे देने के लिए आते हैं वो आपको दिखाई दे रहे मैं इतनी दूर से आया था चल के वो गाड़ी मेरी खड़ी है वाली तरफ तो स्पेशली इनके लिए आया था मैं ग्रासलैंड का जो एक चक्कर लगाया और वहाँ पे काली गर्दन वाले सारस ब्लैक नेक क्रेन जो देखे वो भी देखे बच्चों को मुझे बड़ा मज़ा आया मैंने पिक्चर क्लिक की जब भी कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अगर
लद्दाख आना चाहता है फोटोग्राफी के लिए तो हनले इज द बेस्ट प्लेस। आपको व्यू दिखाता हूँ हनले ग्रासलैंड का। तो ये है हनले ग्रासलैंड। मैं हनले मोनेस्ट्री पहुंचा हूं। बहुत हाइट पे ये बनी हुई है हनले मोनेस्ट्री। पहले ये यहां का जो किंग था उसका ये पैलेस था लेकिन बाद में इसको मोनेस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया। अब मोनेस्ट्री है यहां पे। ये पीछे पूरा हनले ग्रासलैंड, पूरा हनले आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा हनले। और इस तरफ मैं दिखाता हूँ मोनेस्ट्री की, मोनेस्ट्री की इस तरफ से देखो ये पूरा डेजर्ट, पूरा डेजर्ट है। ये ऊपर बर्फ, नीचे बीच में से रोड जा रही है। रोड शायद आपको दिखाई दे रही हो, रोड ये पानी, एक छोटी सी रिवर जा रही है यहाँ से। मैं आपको दिखाता हूँ कि बीच में से सड़क कहाँ जा रही है, वो रोड जा रही है। ये पूरी रोड इसके बीच में से निकाली हुई है जो लोमा को जा रही है। लोमा, हम वापस लोमा जाएंगे, वहाँ फिर वहाँ पे परमिट चेक करवा के उसके आगे चले जाएंगे हम चुमरोरी की तरफ। तो मोनेस्ट्री बहुत हाइट पे बनी हुई है। अब मोनेस्ट्री विज़िट करेंगे, थोड़े मोनेस्ट्री के टाइम लैप्स लेंगे फिर चलेंगे आगे। दोस्तों हनले को हम छोड़ा है पीछे, उसके बाद लोमा ब्रिज क्रॉस करके न्योमा, न्योमा के बाद अब मूथ के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। उसके बाद क्रॉस करेंगे माहे ब्रिज, फिर सुमडू, सुमडू के बाद पुग्गा, पुग्गा के बाद सोकर, सोकर को क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे ले मनाली हाईवे पे। तो आज की जो नाइट स्टे करेंगे हम वो करेंगे पांग में। कल हम निकलेंगे पांग से चंडीगढ़ के लिए। तो आगे की अपडेट्स मैं आपको आगे चल के देता हूँ। दोस्तों इस जगह का नाम है मूथ, यहाँ अपने पहले दोस्त थे एनसी ठाकुर, अब शायद उनकी पोस्टिंग कहीं और हो चुकी है। लास्ट ईयर तो वो मुझे मिले थे, बहुत ही जेंटल पर्सन है वो, तो शायद चंडीगढ़ में कहीं ना कहीं मुझे वो मिले। तो ये जगह देख के उन एकदम से मेरे माइंड में उनका ख्याल आया। लो जी माहे ब्रिज भी आ गया है, माहे ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो चलते हैं सुमडू की तरफ।
पहुंच गया हूं सुमुरजी के रास्ते से, पर आप सुमुरजी देखो, और ये जहां से हम जा रहे हैं ये जा रहा है रास्ता सोकर को मनाली रोड पे। तो फ्री टाइम लगेगा, हमने 60-70 किलोमीटर और क्रॉस करने हैं, 100 किलोमीटर का टारगेट अभी हमारा और पड़ा है, तो उसको हम देखते हैं। अभी टाइम हो गया 5 बजे, अभी 2 घंटे हमारे पास है, तो ट्राई करता हूँ कि 2 घंटे के अंदर अंदर वो कवर हो जाए। आगे रास्ते में एक पुग्गा पड़ेगा, पुग्गा एक जगह पड़ती है, वहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग निकलता है, अगर टाइम हुआ तो वहाँ पे भी विज़िट करके जाएंगे, क्योंकि इतना मुश्किल रास्ता हम पहले क्रॉस करके आए हैं। तो फिर देखते हैं आगे, मैं दिखाता हूँ आपको, ये खेतों में काम कर रहे हैं सुमडू, वो खेतों में काम कर रहे हैं, वो सुमडू गाँव है, इसके बीच में से होके जाते हैं हम। एक क्रॉस करना पड़ेगा हमें पास, उसके बाद आएगा सोकर वाला रोड, फिर मिलते हैं। तो अब चलते हैं सोकर लेक की तरफ, ये सामने सुमडू गांव के लोग बैठे हैं। आज का सफर था हनले से, हनले से होके मैं लोमा, लोमा से न्यूमा, न्यूमा से माहीब्रिज, माहीब्रिज से मैंने सुमडू, सुमडू के बाद एक पास क्रॉस किया, पास क्रॉस करके एक सोकर, सोकर से ये मैं अब डिबरिंग यहाँ पे आ गया हूँ। ये है ले मनाली हाईवे, ये रास्ता जा रहा है देखो, और ये जा रहा है मनाली को। टंगलंगला यहाँ से 24 किलोमीटर टंगलंगला, और 42 किलोमीटर पांग। तो आज नाइस डे मैं करूँगा पांग में, एक घंटा लग जाएगा वहाँ पहुँचते पहुँचते, तो हाईवे तो बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं पांग। अभी मैं पहुंच गया जनता रेस्टोरेंट पांग में।